धनुष इकलौते ऐसे इंडियन एक्टर हैं जिनके दो गाने यूट्यूब पे 1 बिलियन प्लस व्यूज ला चुके हैं। और क्या आपने कोलावरी डे गाना सुना है? इसके पीछे के दो ऐसे फैक्ट्स हैं ना दोस्तों जो गारंटीड आपको नहीं पता होंगे, और ये फैक्ट्स आपकी जिंदगी को पूरी की पूरी बदल के रख देंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। 2011 में जब ये गाना आया था तब सोशल मीडिया का आज इतना क्रेज नहीं था, फिर भी एक हफ्ते के अंदर ही इस गाने को 3.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके थे। और आपको पता है ये वर्ल्ड फेमस गाना बनने के लिए कितना समय लगा था? 3 महीने 4 महीने या 6 महीने? नहीं दोस्तों, केवल 45 मिनट्स के अंदर ये गाना बनके कंप्लीट हो गया था। धनुष ने खुद केवल 6 मिनट के अंदर कंप्लीट लिखा था और 35 मिनट्स के अंदर ये गाना कंपोज हो गया था, और खुद धनुष ने ही इसको गाया था। दोस्तों ये गाना इतना फेमस हुआ था कि हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने डिनर पर इन्वाइट किया था, क्योंकि जापानीज पीएम को धनुष से मिलना था, क्योंकि कोलावरी डे ने उनको भी धनुष का फैन बना दिया था। और दोस्तों ये सारी बातें सुनकर हमें ऐसा लगा कि धनुष की स्टोरी आप तक पहुंचनी जरूरी है। क्या आप सोच सकते हैं जो बंदा एक्टर है, सिंगर है, राइटर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो खुद कभी भी इस इंडस्ट्री में आना ही नहीं चाहता था? शौक मत होना दोस्तों, ये सच बात है। और ये जो उनकी समस्या है कि घर वालों के हिसाब से अगर आप करियर चूज करेंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। सॉरी दोस्तों, लेकिन ये बिलीफ भी आज टूटने वाला है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1983 में, जब एक मिडिल क्लास फैमिली में एक साधारण दिखने वाला बच्चे का जन्म होता है। इसके पापा का सपना होता है राइटर बनने का, इसलिए गांव से निकलकर ये लोग चेन्नई आ जाते हैं, जहां शुरुआत में इन्हें कोई काम नहीं मिलता, इसीलिए उन्हें एक मिल में एज अ वर्कर काम करना पड़ता है। पर मिल में काम करने के बाद भी ये अपनी फैमिली की जरूरतें पूरी नहीं कर पाते, इसीलिए ये अपनी लिखी हुई स्टोरीज को 40-50 रुपए में बेचना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वक्त बदलता है दोस्तों, और कुछ समय बाद उन्हें असिस्टेंट राइटर की जॉब मिल जाती है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं, असिस्टेंट राइटर से राइटर और फिर असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के बाद इन्होंने अपनी सारी मेहनत एक टीनेजर की स्टोरी में डाल दी और एक दमदार स्टोरी लिखी दोस्तों, मगर कोई भी बड़ा एक्टर उनकी बजट में फिट नहीं हो रहा था। इस वक्त वो साधारण सा दिखने वाला बच्चा जिसे हम धनुष के नाम से जानते हैं, वो 16 साल का हो जाता है। और जब बाहर कहीं पे जुगाड़ नहीं होता तब डायरेक्टर साहब यानी धनुष के पापा की नजर उनके 16 साल के बेटे पे पड़ती है, और फिर शुरू होती है धनुष को कन्विंस करने की बहस। मम्मी पापा और भाई के प्रेशर में आके धनुष इस मूवी से अपना डेब्यू करते तो हैं, मूवी बनके रेडी भी हो जाती है, मगर डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ये 2 साल के बाद रिलीज होती है। इतना वेट करने के बाद भी ये सुपर हिट होती है। धनुष के पापा की राइटिंग और दोस्तों बाकी चीजों को बहुत एप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन कोई भी धनुष को एज एन एक्टर एक्सेप्ट नहीं करता। बुराई करते वक्त लोग कहते हैं कि यार इतना पतला दुबला लड़का, इतना बदसूरत कैसे हीरो बन सकता है, लेकिन जो कभी भी इस इंडस्ट्री में आना नहीं चाहता था वो अपने स्किल्स पर काम करना शुरू करता है। मगर इसके बाद इसकी 4 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो जाती है। यार जब अगर एज ए यूट्यूबर आपकी वीडियो फ्लॉप हो जाती है ना, तो यार इतनी तकलीफ होती है कि बंदा छोड़ देते हैं अगली वीडियो बनाने के लिए। लेकिन 4 फिल्में फ्लॉप होने के बाद इसने हार नहीं मानी और अपनी अगली मूवी पे काम करना शुरू कर दिया। इस बार किस्मत चमक गई और ये सुपर हिट फिल्म के साथ साथ इसके सारे क्रिटिक्स का भी मुंह बंद कर दिया इन्होंने। कभी एज एन एक्टर इनका कोई फ्यूचर नहीं है ऐसा बोलने वाले लोग इन्हें भगवान जैसा प्यार दे रहे हैं। आज सिर्फ साउथ में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी ये बंदा अपने एक्टिंग स्किल्स और अपने अंदाज की वजह से बहुत फेमस हो चुका है। यही नहीं, 2011 में केवल 27 साल की उम्र में इनको बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिल गया था। उस वक्त इससे कम एज में किसी ने भी ये अवार्ड नहीं जीता था। दोस्तों लोगों की ओपिनियन चेंज होते रहते हैं, आपकी नाकामयाबी कामयाबी में बदल जाते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ होता है जो बिना दुनिया की परवाह करे, बिना लोगों की परवाह करे अपने टैलेंट की और अपने पैशन की तरफ बढ़ते रहते हैं। धनुष की स्टोरी यही बताती है कि जिंदगी आपको किसी भी रास्ते पर लेके जा रही हो, चाहे बहुत बार आपके कंट्रोल में ना हो, आप जो चाहते हैं वैसा नहीं होगा, फिर भी दोस्तों अपना बेस्ट देने से पीछे मत हटना, क्योंकि याद रखना कि अगर आप बेस्ट करेंगे तो बेस्ट अपने आप आपके पास आ जाएगा। दोस्तों अगली वीडियो किस एक्टर पे चाहते हैं कमेंट में बताना, और अगर आप भी इसकी तरह एक कामयाब एक्टर, फिलोसोफर, डायरेक्टर, राइटर, यूट्यूबर कुछ भी बनना चाहते हैं तो अपना सपना भी अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि दोस्तों आप जो भी लिखेंगे वही आपके प्रति और आकर्षित होगी और आप वही बनेंगे दोस्तों। इसलिए अपनी कामयाबी की तरफ मेहनत कीजिए और दोस्तों संघर्ष करते रहिए। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक ताकि वो भी कुछ सीख पाए हमारी वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।